सदस्य साधारण मिलत जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कोषाध्यक्ष राम कुमार जी ढोकला, मैथिली समाज जयपुर के अध्यक्ष के चेयरमैन एवं स्वर्ण पदक विजेता सी आनंदी राठी, नगर में ऐसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था की कल्पना को साकार करने के यशस्वी श्री शैतानजिम बसमीम। ये कोका की टट्टी पे आज इब्तदा कर रहे हैं स्कूल का, महेश्वरी विद्यालय स्कूल कोका की टट्टी। वो तो केस हारे में है, 1200 गज गवर्नमेंट की लैंड है बलगिया की, हमने पूरी जगह पे दरख्वास्तें डाली और कोर्ट भी डिसीजन दे दिया, हार गए। हमारे पास पूरे सबूत है और पीछे के हिस्से में वफ लैंड है, लेकिन आज ऐसा काम कर रहे हैं कि मिनिस्टरों को बुला के मुंह दबाना चाह रहे हैं, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये पूरी जगह पे पब्लिसिटी हो चुकी है, हर जगह ये गवर्नमेंट का मालूम नहीं है, गवर्नमेंट चला रहे हैं। केसीआर साहब जो आज इनॉग्रेशन, महमूद अली साहब सब आ रहे हैं इनॉग्रेशन करने के लिए, ऐसा होएगा तो हर एक का मकाना भी कब्जा कर लेके इनॉग्रेशन कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा, ये सबूत क्या है आपके पास? आप जो टाउन एग्जाम आयद कर रहे हैं, हम केस लड़ते हैं, ये सबूत है हमारे पास, ये पूरा सबूत है। क्या ये कोर्ट का है फैसला, उसी तारीख को आया, क्या है ये? एक 5-6 दिन हुआ आके, पूरा सबूत है हमारे पास, आके ले सकते, जिराज कापियाँ ले सकते, पेपर वाले ले सकते, टीवी वाले ले सकते, हर चीज़ सबूत से कोर्ट भी। जी मिर्ज़ा अब्दुल रहीम बेग, मिर्ज़ा अब्दुल रहीम बेग टीपू से आज इनॉग्रेशन में कैसे कैसे बड़े बड़े हस्ती आए इनॉग्रेशन में? अब तो देखा नहीं, मालूम हुआ है, मैं देखा नहीं। और बड़े बड़े इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं तो हुकूमत कैसा चलाते? नहीं, आप बोलने से पहले सोच लो, हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे आए। हाँ, आ रहे हैं। सेंट्रल डिप्टी होम मिनिस्टर किशन रेड्डी आए, किशन रेड्डी आगे साहब, गवर्नर साहब उन्होंने आए। हाँ, ये सब लोग आ रहे हैं, तो अब ऐसा होएगा इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कोर्ट से पूरा डिफीट है, हर चीज से डिफीट है, क्या बात है? इनका मुंह बंद पड़ा हुआ है, ऐसा रहेगा तो हर एक के मकाना कब्जा कर लेके इनॉग्रेशन कर देंगे, एमपी कर देंगे, एमएलए कर देंगे, मिनिस्टर ना कर देंगे, तो ये जीना मुश्किल हो जाएगा। अब पूरी गवर्नमेंट के लैंड पे भी हम स्कूल डाल देंगे, क्या बोले हम स्कूल कर रहे? तो ये हुकूमत का काम नहीं है केसीआर साहब, ये सोच समझ के कदम उठाना था। आपको हर तरीके से मोबाइलों में हर चीज़ में दे दिए, इतला करने के बाद इनॉग्रेशन कर रहे हैं। कितने साल से दे रहा है भाई इतला? तकरीबन 3 साल से तो केस चल रहा है, केस जीत लिए, कोर्ट भी दे दिया डिसीजन, गवर्नमेंट लैंड है ये 1200 और पीछे के हिस्से में वक्फ लैंड है। पुलिस में कंप्लेंट करे, पुलिस भी कुछ कंप्लेंट करे, कुछ भी करे, पुलिस भी नहीं है। पुलिस का काम भी है कि ये देखे, हमारे पास कापियां हैं, आके देखे, ये नहीं कि ढाका डाल लेके पुलिस हुए। पुलिस का काम है सही इंसाफ करना, सही फैसला करना। ये पुलिस आके नागरिकाना कर दे के चले रहे हैं, धूम कर दे रहे हैं, मुंह दबा दे रहे हैं, तो ये हुकूमत नहीं चलती, ये गलत बात है। हुकूमत सच्चाई पे काम करती है, सच्चाई पे। हाँ, जुडिशियल पे भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है, है भरोसा। हाँ, कोर्ट का जजमेंट आने के बाद, हाँ, फिर बिल्डिंग बन गई, फिर इनॉग्रेशन के लिए इतने बड़े बड़े हस्तियाँ आ गए, पैसा डाल रहे हैं। अब इसका नाम ही कोर्ट ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, पैसा डाल रहे, मुंह दबा दे रही। अब 12 गली पे रोड के ऊपर ही उन्हें मलियां डाल दिया, 12 गली पे एमसीआर आले आके बल्दिया आले यूं 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 कर दे के चले गए। मालूम है कमिश्नर को बल्दिया में भी है, मुंह पैसे डाल दिए तो मुंह दबा दिए, और कमिश्नर से आर्डर आया रोड के ऊपर मलगी डाले, बिल्डिंग है बाजू खट के बना रहे बनाए, लेकिन मलियाँ डाल दिए, मलगी वालों को दे रहा हूँ बल्कि 3-3 लाख रुपए एडवांस और किराया
तो ये काम है बलदिया का, काम है आके देखे स्पॉट पे। बलदिया के भी नोटिस आए हमारे पास, बलदिया को भी दिए थे, ये गवर्नमेंट लैंड है, बलदिया लैंड है, वक्फ लैंड है, सब कुछ कोर्ट भी फैसला कर दिया। आइए हमारे पास, ये देखिए सबूत, उस सबूत के साथ है। आपका जाती मफाद क्या है इसमें? जाफर कौम की खिदमत है, सामाजिक कारकुन हूँ, और मेरा मकसद यही है कि सही सही फैसला, पब्लिक को सही फैसला होना, सही काम होना। कोई आदमी खा जा रहा, कोई आदमी झोपड़ों में है, तो ये क्या है? ये म्युनिसिपैलिटी से वाबस्ता रखते हैं आप? मैं सामाजिक कारकुन हूँ, समाज का। तो आखिर में आप क्या अपील करना चाहेंगे? हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आखिर में आप? अपील ये करना है कि गवर्नमेंट का काम है सोचे और समझे क्या करे, क्या करना है। नागरेशन धूम से कर रहे हैं, तो जरा मालूम नहीं है हुकूमत को कि ये नागरेशन कर देगा, पब्लिक में ढंडोरा पीट दे रही है, हमारी लैंड है, हमारा स्कूल है, कोका गिटर टिपे, ये नहीं चलेगा। फिर हम और आवाज़ उठाएंगे। खुदा हाफिज़।